Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and you are watching Interior Mata. थोड़ी सी डिफरेंट बैकग्राउंड है क्योंकि मैं अपने घर आई हुई हूँ, वो है अलीपुरद्वार. इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन और विलेज यू कैन कॉल, एंड यहाँ पे मैं अपने घर में आई हुई हूँ. तो ये जो वीडियो है, टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैं अपना ये जो हाउस है जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, मैं आपको एक होम टूर देने वाली हूँ. आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हो कि अनन्या, पुराने जो फर्नीचर्स है उसको कैसे हम लोग रीयूज़ करें. तो इस वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे. मैंने बहुत सारे फर्नीचर रीयूज़ किए हैं इस पूरे हाउस में. देर आर वेरी फ्यू फर्नीचर्स व्हिच वी हैव बॉट जब हम लोगों ने घर बनाया था. और जो छोटे सिटीज़ में रहते हैं, ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर छोटे सिटी से ही है, आप लोगों के भी लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे आप लोग कैसे घर को डिज़ाइन करें. चलिए ज़्यादा बात नहीं करके वीडियो चालू करते हैं एंड लेट्स गो. चलिए घर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बाहर से. दिस इज़ हाउ माय होम लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. ये बेसिकली एक गार्डन है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में. बीच में एक रोड है जो मेरे घर तक जाती है. यहाँ पे मेरे पापा ने और बड़े पापा ने जितने भी प्लांटेशंस हैं जो हमारे रेगुलर नेसेसिटी होते हैं, वही सारे प्लांट्स के प्लांटेशन किए हुए हैं. हमारे घर रोज़ घर की जो पूजा होती है या फिर कोई स्पेशल पूजा होती है, तो हर घर में छोटी बड़ी पूजा होती है, उसके सारी जो फूल है या फिर बेल पत्ते होते हैं सारे हमारे गार्डन से ही आते हैं. तो आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं. एंड दिस इज़ बेसिकली, अभी तो रेनी सीज़न है, थोड़ी सी मेसी है. चलिए आपको लेके चलते हैं घर के अंदर. राइट हैंड साइड में हम लोग रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो बड़े पापा है वो रहते हैं. बीच में एक बड़ा सा गेट है जो एक स्टेयर केस की तरफ जाता है. ये इसके अंदर गैराज भी है. चलो लेट्स गो इनसाइड. दिस अ फर्स्ट लुक व्हाट यू गेट व्हाइल एंटरिंग द लिविंग रूम. लेफ्ट हैंड साइड में एक यूनिट है, राइट हैंड साइड में ऐसी एक व्यू है. हमारे लिविंग रूम में दो कलर मैंने यूज़ किया है, वन इज़ कॉपर अनदर इज़ ग्रीन. अब देख सकते हैं ये एक यूनिट है जहाँ पे सारे जो हम लोग बहुत बचपन में मैंने बहुत घूमा है, ऑल ओवर इंडिया घूमा है, सारी जगहों की एक मेमोरी हम लोग लाते थे. जैसे ये बुद्धा है, बुद्धा जो हम दिल्ली से लाए हुए थे, या फिर ये जो शिकारा है ये कश्मीर से लाया हुआ था, या फिर ये जो कैमल है ये हम लोगों ने राजस्थान से लाए हुए थे. सो देयर आर सो मेनी मेमोरीज़. ये एक यूनिट बनाया हुआ है, इस यूनिट के अंदर है. और शायद बचपन में हर एक के पास ऐसी एक गुड़िया हुआ करती थी, मेरे पास भी थी. ये जो सोफ़ा है ये बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हम लोग इसी को 25 साल से यूज़ कर रहे हैं. या इस साइड में छोटी सी शहर है, गांव है, यहाँ पे सोफ़ा जो ऑप्शंस है बहुत कम मिलते हैं. इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर की कुशन के साथ. छोटे शहरों में रहने की एक चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हाथ में नहीं मिलती है. जो आपको ऑप्शन मिलती है उसी में आपको सजाना होता है. लाइक दिस केन चेयर है. कुशंस जो है वो मैंने बिग बाज़ार से कोलकाता से लाई हुई थी. यहाँ पे एक टूल है जो मैंने ऐसे ही टेडी को रखा हुआ है. राइट हैंड साइड में मैंने सिलेंडर जो है उसको मैंने ऐसे कवर करके ऊपर में एक टेडी रखा हुआ है. आप लोग मुझे पूछते रहते हो कि सिलेंडर, एक्स्ट्रा सिलेंडर को कैसे रखें, तो यू कैन यूज़ दिस मेथड. राइट हैंड साइड में जितने भी टेडी बियर्स हैं मेरे बचपन के, मेरे पास बहुत सारे टेडी बियर्स होते हुआ करते थे, तो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है. जब हम लोगों ने घर बनाया था तभी फॉल सीलिंग की जो कंसेप्ट है वो इस गाँव तक नहीं पहुँची थी, तो इसीलिए मैंने सीलिंग पे ही अलग से लाइट के ऑप्शन रख दिया था और ऐसे करके जो सीलिंग लाइट्स है उसको लगाए हुए थे. एंड इसकी जो साइज़ है ये 14 फीट बाई 9 फीट है. आप देख सकते हैं बहुत सारे वाटर मार्क्स आपको देखेंगे क्योंकि ये बारिश के टाइम है और ये बहुत कॉमन एक सिनेरियो है टूअर्स की तरफ, मतलब इस जगह को टूअर्स बोलते हैं. सो हियर इट इज़ गाइस. आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कारपेट है ये 7 साल से मैंने एक फेयर से लिया था, लोकल फेयर से.
ये जो लाइट है मैंने कोलकाता से मैं यहाँ पे लेके आई थी खुद। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने कलेक्ट किया था, क्योंकि गांव में आपको मिलेगा नहीं। तो मैं कोलकाता से जब आती थी, मैं पढ़ाई करती थी, मैं आती थी तो एक एक चीज़ें हाथ में लेके आती थी। यहाँ पे अभी मैंने रेफ्रिजरेटर लिया है तो इसका मैंने अभी बॉक्स जो है यहीं पे है। चलिए अंदर आते हैं तो डायरेक्ट आपको डाइनिंग कम जो किचन है वहाँ पे आएगा। कलर आपको हर एक रूम पे अलग अलग देखने को मिलेगा। दिस इज़ द ऑरेंज व्हिच आई लव, रियली लव। वास्तु के हिसाब से भी ये घर एकदम परफेक्ट है। राइट हैंड साइड में आपको किचन दिखेगा। किचन में ऊपर ओवरहेड काउंटर नहीं है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, नॉर्मल किचन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। ये जो एक टेबल टॉप बेसिन है ये भी बहुत 7 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं मिलता था। आई रिमेम्बर बाइंग दिस फ्रॉम कोलकाता और कोलकाता से मैं लेके आई हुई थी। चलिए इस डाइनिंग टेबल को मैं दिखाती हूँ। ये डाइनिंग टेबल ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक 45 ईयर्स ओल्ड है। इस डाइनिंग के ऊपर में हम लोगों ने वाइट लैमिनेट लगाया है और नीचे की जो लेग्स है एंड जो चेयर्स है उसको मैंने वाइट कलर किया हुआ है। उसके ऊपर दीपासा से खरीदे हुए कुछ कुशंस मैंने वहाँ पे लगाए हुए हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट्स बिन लाइक दिस फॉर लास्ट 7 ईयर्स एंड नो चेंजेस एक्चुअली। अगर आपको साफ़ करना था पानी से, बस पानी से साफ कीजिए। ओल्ड फर्नीचर आपके घर में है, आप डेफिनेटली उसको रीयूज़ कर सकते हैं। पुराने फर्नीचर्स को बिना फेंके हुए आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं मंदिर की तरह। मंदिर मेरी मम्मी की बहुत स्पेशल एक जगह है। हर रोज़ कम से कम 1-1.5 घंटा वो यहीं पे बिताती है। ये जो सिंहासन जो बोलते हैं, सिंहासन जेनरेशन वाइज हमारे घर में आ रहे हैं। कितने साल पुराने हैं ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी जो ग्रैंडमा थी वो भी यूज़ करती थी, मम्मी भी यूज़ कर रही है। शायद फ्यूचर में मुझे ये मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 खिड़कियाँ हैं पिलर की, दोनों साइड में अलग अलग करके बनाया हुआ है। मंदिर में वाटर सोर्स ज़रूर रखिए जैसे हम लोगों ने रखा है। और बस ऐसे ही मम्मी मंदिर को रखती है। अभी वो पूजा करके बस निकली है और मैं आपको वीडियो करके दिखा रही हूँ। इसके साथ ये जो रूम है यहाँ पे सिंगल बेड है। ये रूम बिल्कुल यूज़ नहीं होता है क्योंकि मम्मी पापा ही रहते हैं इस घर में और कोई रहता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये मेरून कलर है। मेरे हर घर में, हर रूम में कर्टन्स जो है वो मैचिंग है विद द कलर्स। दोनों कर्टन्स रखना ज़रूरी है, देखने में भी अच्छा है और ये जो लाइट एंड डार्क की कम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मम्मी ऊपर में कुछ स्टोरेज उन्होंने रखा हुआ है, ये अभी फ़िलहाल टेम्पोररी है जब तक मैं हूँ। चलिए इस अलमीरा को दिखाते हो। ये स्टील की अलमीरा है, ऑलमोस्ट 25 साल तो पुरानी, 25 ईयर्स ओल्ड होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी जो डोर्स है इसको मेरून कलर किया हुआ है और साइड जो है उसको ऑफ वाइट कलर किया हुआ है। 25 साल पुरानी है। अगर आप पुराने अलमीराज को कलर करके यूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे एक स्टोरेज यूनिट है जो अभी फ़िलहाल बिल्कुल अनयूज चीज़ों से भरती हुई है। इसको एक्चुअली मैं रिनोवेट करने वाली हूँ, इसी की वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सो नेक्स्ट रूम इज़ जो सबसे बड़ा रूम है, मम्मी पापा के रूम। इस रूम में अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप भरे हुए दिखोगे। ये जो पीछे की जो वॉल की जो टेक्सचर है ये भी मेरी बनाई हुई है। यहाँ पे मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने हाथ से बनाए हुए हैं क्योंकि फर्नीचर जो है वो 50 साल पुराने फर्नीचर्स है। ऊपर मेरे सारे जो दादू दीदा, जेठ दादू दीदा, ठाकुरदा ठाकुमा के जो पिक्चर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बचपन में डांस करती थी तो उसकी एक पिक्चर है। पहली बार साड़ी पहनी थी उसकी पिक्चर्स है। एंड मैंने मम्मी ने कुछ क्रॉकरीज रखे हुए हैं। ये जो बेड है ये मास्टर किंग साइज़ है, मतलब किंग साइज़ से भी बड़ी है। पीछे जो टेक्सचर जो बनाया हुआ है ये भी मेरे हाथ के बनाए हुए हैं। इसको बनाने में 4 आवर्स लगे थे क्योंकि टेक्सचर तभी बनता नहीं था और इंटरनेट से देख के मैंने सीखा था तो मैंने ये टेक्सचर बनाया था। और अपोजिट साइड में भी ये टीवी यूनिट है। चलिए बाहर दिखाती हूँ। इसमें इस रूम के साथ अटैच एक वॉशरूम है।
और हम आते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे भी गार्डन है। पहले यहाँ पे भी हमारी वॉशरूम जो होते थे, पुराने घर जो थे उसके वॉशरूम हुआ करते थे। इसको हम लोग कॉलपार बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते होंगे जो हिंदी में बात करते हैं, और बंगालीज तो पता है। ये एक बेल की पेड़ है, जो शिव पूजा हमारे घर में होती है तो बेल की पेड़ होना ज़रूरी है। और ये एक चंदन की पेड़ है, मैं आपको चंदन की बीजे जो है उसको दिखाऊँगी। इस साइड में एक पहले वॉशरूम हुआ करता था जो अभी पीछे शिफ्ट हो गया है। ये अटैच नहीं है, अगर बाहर से कोई आता है तो उनके लिए बनाया हुआ था, सॉरी फॉर द चोक। नीचे आप देखेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, तो यहाँ पे रेड कुछ डॉट्स मिलेंगे। ये बीज है, चंदन की जो है बीज है इसको, जी हाँ, ये जो बीज है ये ऐसी दिखती है, रेड रेड कलर की। बचपन में मैं इससे गले की जो नेकलेसेस होते थे ये सब बनाती थी, रहती थी अभी भी। चलिए स्टेयर के इससे ऊपर चलती हूँ। ये मेरी रूम है जहाँ पे मैं हार्डली कभी, बहुत कम रही होंगी, क्योंकि मैं बाहर में पढ़ाई करती थी, देन आई हैड माई जॉब। आपकी ये स्टोरी तो ऑलरेडी आपको पता चल गई होगी कि एक ही रात में मैंने ये बनाया था, ये पूरा पेड़ बनाया था। एंड ये जो बेड है ये भी 50 साल पुरानी बेड है, हैंड कलर किया हुआ है मेरा। इस रूम में तीन कलर हम लोगों ने यूज़ किया है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड दिस येलो। रूम की साइज़ छोटी होने के बावजूद भी कलर के वजह से ये रूम काफ़ी बड़ी लगती है। ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बटरफ्लाइज आपको मिलेंगे, और अगर आप बेड में सोए हुए हैं तो आप देख सकते हैं सीलिंग में आपको ऐसे स्टार्स। ये एक्चुअली डिडियम स्टार है, रात में ये जलता है। सो व्हाइल यू आर, यू नो, स्लीपिंग ऑन द बेड और लाइंग ऑन द बेड, आप देख सकते हैं ये मेरी गैलेक्सी, एक मेरी वर्ल्ड है। और रात में ये जब जलती है, आई जस्ट लव इट, आई कैन टेल यू हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। ये जो पेड़ है, पेड़ के वहाँ पे मैंने चंदा मामा को वहाँ पे रख दिया है, एंड डेफिनेटली रात में इट लुक्स ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। इसी रूम के साथ अटैच ये मेरी बैल्कनी है। बैल्कनी में आते ही आप इस मेन डोर से भी आ सकते हैं, मैं अभी बाहर की तरफ से आई हुई हूँ। बैल्कनी से आपकी जो व्यू है वो कुछ ऐसी दिखती है। अगेन छोटे से शहर है तो रोड्स भी छोटे छोटे ही है, इतना स्पेशल कुछ है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं शेयर करती हूँ। वो जो गेट है वो रोड से आने के घर की तरफ गेट है, जो जहाँ पे मैंने वीडियो चालू किया था, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वो टोटो गाड़ी है, अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। गाइस एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, मेरे जो नेबर्स हैं उनके जो घर है वो पूरी ऊट की बनाई हुई घर है। हमारी घर भी वैसी ही हुआ करती थी, देन 10 साल पहले हम लोगों ने ये नया घर बनाया है, बट स्टिल उनकी जो घर है वो अभी तक ऐसी है, पता नहीं कितने दिनों तक ऐसी रहेगी। दिस इज़ अ फुल वुडन होम। तो ये हमारी बैल्कनी है, शाम की तरफ हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, चाय पीते हैं और बस स्टोरियाँ वो अड्डा देते हैं। दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसी मेरी लाइफस्टाइल थी और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। दिस वॉज इट गाइस, मैं चाहती थी आप मेरे फैमिली मेम्बर हो और मैं अपना जो घर है आप लोग के साथ शेयर करूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड बहुत सारे नए वीडियोज़ है, एक अनाउंसमेंट है जिसकी मतलब जो वीडियो बनाना अभी भी बाकी है वो मैं वापस वडोदरा जाके करूँगी। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल एज ऑलवेज, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।